हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शॉनो में। मैं हूं कुमार केटी वस्टालिस और आज अगेन लेके हैं आप लोगों के लिए एक नई हेयर स्टाइलिंग की वीडियो। सो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा इस हेयर स्टाइलिंग को सीखने के लिए। सो डोंट बी डिले, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को बीच में स्किप ना करें, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। डिटेल वीडियो हम इसलिए अपलोड करते हैं ताकि आप लोगों को बीच बीच में छोटी छोटी सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता चले। तो डोंट स्किप द वीडियो, वॉच दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड टू लर्न दिस हेयर स्टाइल। सो डोंट बी डिले, लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शॉनो में। मैं हूं कुमार केटी वस्टालिस और आज अगेन लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक नई हेयर स्टाइलिंग की वीडियो। सो दोस्तों, आपने कुछ सेक्शनिंग कुछ इस तरीके से लेनी है। आपने बैक से मींस रेडियल पार्टिंग से हमने और बैक पॉइंट पे आपने राउंड सेक्शन बनाना है और बैक से आपने कुछ हेयर छोड़ने हैं। देन विल स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट पॉइंट। सबसे पहले हम फ्रंट से स्टार्ट करेंगे। फेस फ्रेमिंग के लिए हमने फ्लिक्स छोड़ ली है। फेस फ्रेमिंग सेक्शन आपने छोड़ लेना है और ये क्राउन पे हमने बॉक्स सेक्शन लेना है। ये देख लीजिए, इस तरीके से अराउंड 2.5 इंच का ये सेक्शन होगा, बॉक्स सेक्शन आपने लेना है। और इसको करना है हमने बैक कॉम और रूट एरिया। इसको 2-3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं आप, डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर। तो इसको आपने बैक कॉम करना है और रूट एरिया। दूसरा सेक्शन पे भी हम बैक कॉम करेंगे और इसको जस्ट बैकवर्ड की तरफ हमें प्ले करना है। तो इसको कॉम करेंगे हम, नीट करेगा, छोटे छोटे फ्लाई है इसको कंट्रोल करेंगे और इसको स्प्रेड करना है आपने। और देन हम इसमें लाइंस वर्क क्रिएट करेंगे। तो जस्ट पुलिंग टेक्निक से आपने इसमें सॉफ्ट लाइंस आपने बना लेनी है इस तरीके से। साथ साथ आप हार्ड स्प्रे का यूज़ करें, इन लाइंस को आपने फिक्स करना है। और देन आपने इसको जस्ट पोनीटेल के साइड में आपने इसको लॉक कर लेना है। ये देख लीजिए, जस्ट साइड पॉइंट पे हम इसको लॉक कर रहे हैं विद बॉबी पिन। पोनीटेल के ऊपर नहीं, पोनीटेल के बगल में आप लॉक कर सकते हैं या पोनीटेल के पीछे आप लॉक कर सकते हैं। नाउ आई एम जस्ट टेकिंग अगेन वन मोर सेक्शन फ्रॉम द फ्रंट पार्ट। ये देखिए, इस तरह का आप सेक्शन लेंगे। इसको भी हम बैक कॉम कर सकते हैं। इफ़ यू नीड वॉल्यूम देन यू कैन डू बैक कॉमिंग। और अगर आपके पास में डेंसिटी इनफ है तो आपको बैक कॉम करने की नीड नहीं है। क्रिम्पिंग करके काफ़ी अच्छा टेक्सचर मिल जाएगा आपको। स्प्रेडिंग करनी है इसको और इसमें भी हमें लाइंस वर्क क्रिएट करना है। ये देख लीजिए, जस्ट हमने ये टेल कॉम से हमने ये लाइंस क्रिएट करी हैं। साथ साथ में आप हार्ड स्प्रे का यूज़ करेंगे। हार्ड स्प्रे करना है और लाइंस को आपको क्रिएट करना है इस तरीके से। ये देख लीजिए, जस्ट टेलकॉम से आपने लाइंस को बनाना है। सॉफ्टर लाइंस बनाएंगे आप और इसको जस्ट आपने पोनीटेल के अपोजिट साइड हम इसको लॉक करेंगे विद बॉबी पिन। ये देख लीजिए, अब जो लाइंस वर्क हम फ्रंट से क्रिएट कर रहे हैं इनको आपने इक्वल रखना है। मीन्स आपके फेस के अकॉर्डिंगली ये ओवल शेप में होनी चाहिए। जैसे हम पफ बनाते हैं बिल्कुल राउंड होता है, एज इट इज़ आपने इसको भी बनाना है कि वो आपकी फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग, फेस फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग आ पाए या ओवल शेप में आ पाए। ये साइड कॉर्नर से आपने स्प्रेडिंग करनी है और सेम टेक्निक से हम इसको बनाएंगे। स्प्रेडिंग किया एंड इसको भी आप टॉप पॉइंट पे होल्ड करेंगे। आप जूड़ा पिन का यूज़ कर सकते हैं इसको होल्ड करने के लिए। ये देख लीजिए, ये लाइट होल्ड है और देन इस पर आपने हल्की सी सॉफ्ट लाइंस आपने इसमें क्रिएट करनी है। ये देख लीजिए, इस तरीके से। एंड देन आपने ये हार्ड स्प्रे हम इसको यूज़ कर रहे हैं जो लाइंस हमने बनाई हैं उनको सेट करने के लिए। ये देख लीजिए, इस तरीके से आपने इसको सेट करना है। एंड टेलकॉम का यूज़ करेंगे हम, इसको सेट करेंगे। नाउ सेम थिंग, वी विल लॉक हियर विद बॉब पिन अगेन। बॉब पिन से हम इसको लॉक कर लेंगे। तो इस तरीके से आप इसको बॉब पिन से लॉक कर लेंगे। नाउ सेम टेक्निक विल बी अदर साइड ऑल्सो। तो यहाँ से भी आपने एक सेक्शन लेना है, इसको बैकवर्ड की तरफ स्प्रेडिंग करेंगे एंड पोनीटेल के जस्ट अपोजिट साइड हम इसको लॉक करेंगे। हल्की सी पुलिंग टेक्निक से पहले हम इसमें लाइंस बना लेते हैं। ये देख लीजिए, इस तरीके से। साथ साथ आप हार्ड स्प्रे का यूज़ करें। ये हमने बिल्कुल जूड़ा पिन से हमने बहुत लाइट होल्ड रखा है। 2 लाइंस 3 लाइंस आप इस पर बना सकते हैं और इसको भी हम बॉबी पिन से लॉक कर लेंगे। दोस्तों ये बहुत लाइट ग्रिपिंग है जिससे अगर आप टाइट इसको ग्रिप करते हैं तो आपकी लाइंस नहीं बनेंगी। तो आप इसको जो है जूड़ा पिन से लॉक करें, होल्ड करें एंड देन लाइंस बनाएं तो आपकी ईजिली बन जाएंगी लाइंस। नाउ ये सबसे लोअर सेक्शन फ्रंट का, 2 सेक्शन हमने अदर साइड से लिए थे और 2 सेक्शन आपने इस साइड से लेने हैं। पोलिंग टेक्निक से इस पर भी हम लाइन बनाएंगे और इसको आपने जस्ट पोनीटेल के बगल में हम इसको लॉक कर रहे हैं। तो हम लाइंस वर्क क्रिएट करेंगे इस तरीके से। बोथ साइड सेम लुक होना चाहिए और क्लाइंट के फेस के अकॉर्डिंगली ये होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको लॉक कर लेंगे।
बॉबी पिन से हम इसको टाइट करके लॉक कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से इसकी लुक आएगी। नाउ हम यहाँ पे जो है पोनीटेल को हम डोनट यूज़ कर रहे हैं, डोनट लेंगे और पोनीटेल के अंदर हम इसको इंसर्ट कर लेंगे। नाउ इसको जूड़ा पिन से चारों तरफ से आप सिक्योर कर लें, या बॉबी पिन का भी आप यूज़ कर सकते हो इसको लॉक करने के लिए। तो आई एम जस्ट यूजिंग यू पिंस या जूड़ा पिन, यू कैन ऑल्सो यूज़। इसको हम लॉक कर लेंगे चारों तरफ से, इसको सिक्योर कर लीजिएगा टाइट करके। नाउ पोनीटेल के हेयर को कॉम करें, टेंगल फ्री होना चाहिए। नाउ इसको हम होल्ड कर देते हैं टॉप पॉइंट पे, और जो ये पिनअप किए गए सेक्शन हैं इनको भी हम ट्विस्ट करके टॉप पॉइंट पे हम इसको होल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको होल्ड कर लेना है। अब ये बैक पॉइंट पे जो हमने हेयर छोड़े हैं, तो एज इट इज़ सेम टेक्निक से स्प्रेडिंग एंड पुलिंग टेक्निक का हम यूज़ करेंगे। और बैक पॉइंट से भी आपने थोड़ा सा लूज पैटर्न क्रिएट करना है, और साथ में ही पुलिंग टेक्निक से आपने लाइंस भी बनानी है। तो इस तरीके से आपने इस बैक पॉइंट को भी हम कंप्लीट करेंगे। ये देख लीजिए, स्प्रेडिंग एंड पुलिंग टेक्निक, साथ साथ में हार्ड स्प्रे का यूज़ करें, और बैक पॉइंट से भी हमने लेयरिंग वर्क को कंप्लीट करना है। सो बॉबिन से इसको लॉक कर दें, रेस्ट ऑफ सेक्शन को हमने टॉप पॉइंट पर होल्ड कर लेना है। सो दिस इज़ द लास्ट सेक्शन, वी हैव टू यूज सेम टेक्निक्स ऑल्सो हियर। जस्ट डू कॉम, बैक कॉमिंग यू कैन डू ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट मोर वॉल्यूम, एंड पुलिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे इस पर भी। एंड नाउ जस्ट बॉबी पिन से हम इसको लॉक कर लेंगे। तो बैक पॉइंट से अगर आपको थोड़ा सा ये पॉप आउट चाहिए, मीन्स बाहर की तरफ थोड़ा चाहिए कि ये थोड़ा सा और भी आपको वॉल्यूम मीन्स लूज चाहिए, तो आप इसको पुलिंग टेक्निक से और ज़्यादा इसको आउट आप कर सकते हो। नाउ ये सारे सेक्शन को जो हमने पिनअप किए हैं इनको आप टेंगल फ्री कर लेंगे, ये पैटर्न बनाने के काम आएगा। नाउ पोनीटेल के हेयर को हमें 5 सेक्शन में डिवाइड करना है, या आप 4 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। 4 एंगल पे आपने चारों सेक्शन पे इसको डिवाइड करना है, और एक सेक्शन आपका मिड पॉइंट पे रहेगा। पहले हम इसको 5 सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं, या आप 6-7 सेक्शन में भी डिवाइड कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप ट्विस्टिंग टेक्निक के अकॉर्डिंगली आप कितने फ्लावर आप बना रहे हो। तो ये हमने अलग अलग तरह से इनको बॉबी पिन से जस्ट अलग अलग एंगल पे, अलग अलग डायरेक्शन पे हमने इनको बॉबी पिन से लॉक कर लिया है डोनट के ऊपर। एंड नाउ ये देख लीजिए इस तरीके से। नाउ इस कॉर्नर पॉइंट से आपने इसको जस्ट ट्विस्ट करना है, एंड पुलिंग टेक्निक इसमें हम यूज़ करेंगे। एंड साथ साथ में आप हार्ड स्प्रे का यूज़ करेंगे, छोटे छोटे फ्लाई हेयर्स को कंट्रोल करेंगे। नीटनेस के साथ आपने वर्क करना है। ये देख लीजिए, इसको हम अंदर की तरफ जस्ट ट्विस्ट कर रहे हैं, और पुलिंग टेक्निक इसके कॉर्नर कॉर्नर पे यूज़ कर रहे हैं। साथ साथ हम हेयर स्प्रे का यूज़ करेंगे, हार्ड हेयर स्प्रे 4 और 5 लेवल का नंबर का हार्ड स्प्रे आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ इसको ट्विस्ट करते हुए हम जस्ट कंटिन्यूस टेक्निक को यूज़ करते चले जाएंगे। वुडन स्टिक का यूज़ कर सकते हैं आप, जूड़ा पिन का भी आप यूज़ कर सकते हैं इस पैटर्न को क्रिएट करने के लिए। नाउ एजिस पॉइंट को जस्ट फ्लावर के नीचे ही हम सेट कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके की टेक्निक आप यूज़ करने वाले हैं सभी सेक्शंस पे, कुछ सेम इसी तरीके से आपने इसको कंप्लीट करना है। एंड ये वुडन स्टिक आप लगाए रखें, या जूड़ा पिन जिससे आप इसको बना रहे हैं। अगर आपके पास वुडन स्टिक नहीं है तो आप जूड़ा पिन से भी आप इसको बना सकते हैं। तो जूड़ा पिन आपको लगाए रखनी है जब तक ये पैटर्न सेट नहीं हो जाता। नाउ वी विल वर्क ऑन अनदर सेक्शन। बीच बीच में जूड़ा पिन से हम इसको लॉक करेंगे, या आप फाइन इनविजिबल पिंस भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फाइन पिंस जिन्हें हम कहते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ सेम टेक्निक विल बी हियर, जस्ट ट्विस्ट एंड पुलिंग टेक्निक वी आर यूजिंग हियर। साथ साथ में हम वुडन स्टिक का यूज़ करें, जस्ट इसको टर्न मीन्स राउंड पोजिशंस में राउंड सर्कल आपने इसमें बनाना है। साथ साथ में आपने ट्विस्ट भी करना है, और पुलिंग टेक्निक भी आपने इसमें यूज़ करनी है। हार्ड स्प्रे का हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हम छोटे छोटे फ्रिज हेयर को हम कंट्रोल कर सकें, और इस शेप को हम फिक्स कर सकें, और इसके शेप को मेंटेन करने के लिए हम साथ साथ वुडन स्टिक का यूज़ कर रहे हैं, या आप जूड़ा पिन का यूज़ करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपने इसको बनाते चले जाना है। साथ साथ में जूड़ा पिन ज़रूर लगाएं ताकि ये पैटर्न साथ साथ लॉक भी होता रहे। नाउ दिस इज़ द थर्ड सेक्शन, सेम टेक्निक ट्विस्ट किया, पुलिंग टेक्निक, हार्ड स्प्रे यूज़ करना है इसमें। ये देख लीजिए इस तरीके से इसको जस्ट टर्न करते चलना है आपने, और साथ साथ में ट्विस्ट भी करना। पहले ट्विस्ट करेंगे फिर पुलिंग टेक्निक, और साथ साथ राउंड शेप में इसको हम जस्ट राउंड शेप में घुमा रहे हैं।
दोस्तों अगर आप ओरिजिनल हेयर के ऊपर काम कर रहे होंगे तो प्रिपरेशन अच्छी रहनी चाहिए, मीन्स ब्लो ड्राई अच्छा होना चाहिए आपका, क्योंकि ओरिजिनल हेयर में ब्रेकेज हेयर्स भी होते हैं, तो आप उनमें प्री स्टालिंग प्रोडक्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ्रिज फ्री प्रोडक्ट आते हैं तो वो आप अप्लाई करें, या सीरम वगैरह आप अप्लाई कर सकते हो ताकि आपके जो स्टैटिक जो फ्रिजी हेयर होते हैं वो कंट्रोल हो जाए। ब्लो ड्राई अच्छा होना चाहिए एंड टेक्चराइजिंग के लिए, मीन्स थोड़ा सा वॉल्यूम के लिए एंड टेक्चराइजिंग ग्रिप के लिए आप क्रिम्पिंग ज़रूर करेंगे। तो क्रिम्पिंग आप आगे आगे के सेक्शन पे रख सकते हो, मीन जो एयर टू एयर पार्टीशन होती है उसे आगे वाले पार्ट पे आप क्रिम्पिंग रख सकते हैं। ओके सो नाउ बैक पॉइंट पे भी हमने देखो, हमने चारों पॉइंट से चारों डायरेक्शन में हमने फ्लावर सेटिंग कर ली है और एक सेक्शन हमने मिड में छोड़ लिया ताकि हम मिड के टॉप एरियाज़ को कवर कर सकते हैं। इस पर भी हम सेम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, ट्विस्ट करेंगे और ट्विस्ट करने के बाद इसको आप वुडन स्टिक से होल्ड करेंगे। साथ साथ में आपने हार्ड स्प्रे भी यूज़ करना है इसको फिक्स करने के लिए, बॉपिन का यूज़ करें पैटर्न को सेट करने के लिए। सेम टेक्निक विल बी हेयर वी आर यूजिंग, ट्विस्ट करना है राउंड शेप में, इसको हम घुमाएंगे और साथ साथ इसकी शेप को आपने मेंटेन करना है लाइक अ फ्लावर की तरह विथ ट्विस्ट राउंड एंड पुलिंग टेक्निक के अकॉर्डिंगली हम इसको बना रहे हैं ट्विस्ट पैटर्न के साथ में। ऐसा काइंड ऑफ हाई मैसी बन बट लेकिन थोड़ा पैटर्न थोड़ा चेंज है, लुक थोड़ा अलग आएगी और ये डिफरेंट लगेगा। सो ये हमने चारों कॉर्नर पे हमने ये फ्लावर सेटिंग कर ली है, इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। नाउ विल डू ऑन टॉप एरिया, ये टॉप एरिया पे हम एक और इसी टाइप की सेटिंग हम करेंगे, फ्लावर बनाएंगे और टॉप एरिया से भी हम इसको कवरेज करेंगे। वुडन स्टिक या जोड़ा पिन का यूज़ करें इनकी पैटर्न को सेट करने के लिए। नाउ आई एम जस्ट डूइंग बैक कॉम ऑन रूट एरिया, बैक कॉम करके भी आप इसको बना सकते हैं ताकि थोड़ा सा जब आप पुलिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हो तो आपको सपोर्ट मिलेगा। तो हमने इसको पहले बैक कॉम किया बट फ्रिजी नहीं होना चाहिए बैक कॉम, जस्ट लाइट बैक कॉम करें, छोटा छोटा बैक कॉम। नाउ जस्ट टर्न एंड पुलिंग टेक्निक का यूज़ करें, सेम टेक्निक एंड वुडन स्टिक का यूज़ करेंगे हम, साथ साथ इसको राउंड शेप में हम टर्न करते चले जाएंगे, वुडन स्टिक का यूज़ करते चले जाएंगे या जूड़ा पिन का यूज़ करते चले जाएंगे। एंड ये देख लीजिए टॉप एरियाज़ को भी हमें इसको कवरेज करना है, जस्ट ट्विस्ट एंड पुलिंग टेक्निक, ये देख लीजिए इस तरीके से। एंड ये एजेस पॉइंट को बड़े स्मार्टली वे से आपने या तो आप फ्लावर के नीचे आप एडजस्ट कर सकते हैं या टॉप के मिड पॉइंट पे आपने इसको शेप में कंप्लीट कर लेना है। नाउ ये कॉर्नर के सेक्शन जो हमने पिनअप किए गए सेक्शन थे उनसे हम ये कॉर्नर कॉर्नर के पॉइंट को हम इसको कवरेज करेंगे, डोनट नहीं दिखना चाहिए, बेस को हमें पूरा कवरेज करना है। सेम टेक्निक विल बी हेयर, ये देख लीजिए सेम टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं, ट्विस्ट एंड पुलिंग टेक्निक एंड इसको राउंड शेप में हम घुमा रहे हैं, साथ साथ वुडन स्टिक का यूज़ कर रहे हैं हम इसके पैटर्न को मेंटेन करने के लिए बनाने के लिए। सो इस तरीके से आपने इसको बनाते चले जाना है। हार्ड स्प्रे का यूज़ करें इसके पैटर्न को लॉक करने के लिए और सेट करने के लिए, हार्ड स्प्रे 4 and 5 लेवल का कोई सा भी, जैसे टाफ्ट है ओवर गोल्ड भी यूज़ कर सकते हो, स्कॉप का जो हम यूज़ कर रहे हैं सॉलिड का स्प्रे आप यूज़ कर सकते हो, सिल्वेट करके आता है एंड ओसिस के भी हैं बहुत सारे स्प्रे आते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये कॉर्नर पॉइंट पे भी हम बेस को जस्ट छुपा रहे हैं सेम पैटर्न को क्रिएट करते हुए ताकि पैटर्न मैच लगे एंड मेक श्योर आपका बन जो है वो टॉप पॉइंट पे सेंटर पॉइंट पे होना चाहिए एंड आपका बेस जो है पूरा कवरेज होना चाहिए। ये देख लीजिए एरिस पॉइंट को भी आप बड़े स्मार्टली वैसे फ्रिजी ना लगे तो आपने हार्ड स्प्रे का यूज़ करना है, छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को कंट्रोल करें। ये पिनअप किए गए सेक्शन है, ये हम कॉर्नर टू कॉर्नर इसके कॉर्नर टू कॉर्नर जो इसका बेस पॉइंट है उसको कवरेज करने में या बेस को कवरेज करने में हेल्प करेगा। तो आपने ऑलमोस्ट सेम पैटर्न क्रिएट करते चले जाना है जो आपके बन के पैटर्न से मैच हो, नीड के अकॉर्डिंगली आपको कवरेज की नीड कहाँ पे है, आपको सेक्शन कहाँ पे देना चाहिए आपको देखना पड़ेगा जब आप बना रहे होंगे। एंड जूड़ा पिन का यूज़ करें उसको सेट करें, इनविजिबल पिन लॉक करके भी आप यूज़ कर सकते हैं, मीन्स उसको बनाने के लिए वुडन स्टिक जूड़ा पिन हार्ड स्प्रे आपने साथ साथ में वर्क करना है ताकि वो लॉक भी हो जाए और सेट भी हो जाए। सो इस तरीके से दोस्तों हमें कंटिन्यूसली वर्क करना है
तो कुछ इस तरीके से इसकी लुक आने वाली है। एंड ये बीच बीच में हम जूड़ा पिन लगा रहे हैं इसको लॉक करने के लिए, इसकी शेप को मेंटेन करें। ये बिल्कुल सेंटर पे होना चाहिए, राउंड शेप में होना चाहिए, हाइट क्लाइंट के फेस के अकॉर्डिंगली। नाउ वी विल कम ऑन द फ्रंट पॉइंट। ये हमने फेस फ्रेमिंग के लिए सेक्शन छोड़े थे, इनको हम आउटवर्ड की तरफ कर्ल्स कर रहे हैं। सो नाउ आई एम यूजिंग 22 mm टोंग, 22 नंबर का टोंग हम यूज़ कर रहे हैं। इसको आप आउटवर्ड की तरफ कर्ल करेंगे। ये एलन ट्रूमैन का टोंग है, आप किसी अदर कंपनी का जो भी आपके पास में अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ ये अदर कॉर्नर साइड पे इसको भी आपने जस्ट आउटवर्ड की तरफ हम इसको कर्ल करेंगे, तो क्लैंप आगे रहेगा, इसको बैकवर्ड की तरफ हम कर्ल कर रहे हैं आउटवर्ड। ये देख लीजिए, तो ये आपने फेस फ्रेमिंग के लिए हमने सेक्शन छोड़े थे, तो इनको हमने कर्ल कर लिया है। अब आप चाहें इनको आप अलग शेप में भी आप इनको सेट कर सकते हैं, तो मैं इनको थोड़ा स्प्रेडिंग टेक्निक के थ्रू इनको थोड़ा सा फ्लफी एंड वॉल्यूमाइज करके मैं इसको सेट कर रहा हूँ ताकि इसकी थोड़ी डिफरेंट लुक आए। तो हम इसको स्प्रेड करेंगे, साथ साथ में हम हार्ड स्प्रे का यूज़ करेंगे और इसको हम डिवाइड कर लेंगे। नाउ ये फ्रंट पार्ट, इसको हल्का सा स्प्रेड करेंगे टॉप पॉइंट की तरफ, थोड़ा सा हम इसको वॉल्यूम देंगे फ्रंट पॉइंट पे, ताकि और साथ साथ में हम हार्ड स्प्रे यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं देना, कि अगर इतना वॉल्यूम नहीं देना कि आपका बैक पॉइंट जो है आपका बन या लाइन्स वर्क इससे दिख छुप जाए, इतना भी नहीं देना, बट हल्का सा वॉल्यूम क्रिएट करेंगे क्लाइंट के फेस के अकॉर्डिंगली। क्लाइंट का फेस शेप बैलेंस होना चाहिए और वो सुंदर लगना चाहिए क्लाइंट के फेस के अकॉर्डिंगली। तो हम इसको भी हल्का सा हमने फ्रंट पे वॉल्यूम दिया है। नाउ अदर साइड से भी हम इसको हल्का सा स्प्रेडिंग टेक्निक के थ्रू दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया है, इसको हल्का सा वॉल्यूमाइज करेंगे। स्प्रेडिंग एंड हार्ड स्प्रे का यूज़ करें। आप चाहे इनको टाइट कर्ल भी आप बना सकते हो, डिपेंड करता है क्लाइंट के टेस्ट के ऊपर, या आप हल्का सा लूज सेक्शन भी आप छोड़ सकते हैं जैसे मैंने बनाया है सॉफ्टवेयर कर्ल्स के अकॉर्डिंगली। तो इस तरीके से आपने इसको कंप्लीट कर लेना है, फेस फ्रेमिंग सेक्शन कुछ इस तरीके से आपने बना लेने हैं। ओके दोस्तों, सो ये है कंप्लीट लुक, कुछ इस तरीके से आपने इसको कंप्लीट करना है। दिस इज़ द फाइनल लुक, कुछ इस तरीके से लुक आने वाली है। प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर ये वीडियो आपको कैसी लगी, मेंशन ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आइकन बेल जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जैसे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई लिंक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। दोस्तों हम हर हफ्ते आप लोगों से हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। अगर आप लोगों के कोई कमेंट्स होते हैं, कोई सुझाव होते हैं, तो नीचे आप कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स कर सकते हो और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आइकन बेल जो नोटिफिकेशन बेल होती है, जो घंटी होती है, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों हमारा एकेडमी भी है दिल्ली में, अगर आप लोग पर्सनली ट्रेन होना चाहते हैं, मीन्स आप लोगों को प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग कोर्स करना है, तो हमारा दिल्ली में एकेडमी है। आप ऊपर दिए हुए नंबर पे, ये दो नंबर है 9650674581 और 8368949418, ये दोनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आप चाहे तो व्हाट्सअप मैसेज भी छोड़ सकते हैं, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। सो आप इन नंबर पर कॉल करके आप प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग कोर्सेज की डिटेल आप ले सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।